इस सीरीज में आपको पार्टनरशिप के बेसिक फंडामेंटल के छोटे छोटे वीडियो उपलब्ध कराए जा रहे हैं जो कि कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जिससे आप इसको देखकर पार्टनरशिप फंडामेंटल के हर एक टॉपिक के विषय में जानकारी आपको मिल पाएगा। और चूंकि ये कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, इस वजह से आप इसको आसानी से चीजों को सीख सकते हैं और बना सकते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट क्या है? अपने को ये मालूम है कि एक पार्टनरशिप फर्म पीएल अकाउंट बनाती है और उसके बाद पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाती है। पीएल अप्रोप्रिएशन बनाकर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करती है पार्टनर्स के बीच और डिफरेंट आइटम्स में। पर बहुत बार ऐसा होता है कि जब पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया गया तो कुछ एक ऐसे आइटम्स थे जिसका अप्रोप्रिएशन यानी बंटवारा होना चाहिए था, पर वो बंटवारा नहीं हुआ। ठीक है, अब जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन, इनकी बंटवारा फर्म ने गलती से नहीं किया, ओमिशन हो सकता है। अब ये गलतियां या ये ओमिशन कब हुई? पिछले फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, परिणाम आपका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो बना वो गलत है, बैलेंस शीट जो बना वो भी गलत है। अब नया फाइनेंशियल ईयर में उस कैपिटल के बैलेंस को लेकर आप आगे नहीं बढ़ सकते, फर्म आगे हिसाब किताब नहीं कर सकती है। परिणाम स्वरूप इनको सुधार करने की जरूरत पड़ेगी। इन ओमिशंस को या कोई एरर्स अगर हैं तो उनको सुधार करना होगा। इस सुधार करने के लिए फर्म एक तरीका अपनाती है जिसको बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। वो क्यों पास्ट एडजस्टमेंट ही बोलेंगे? ये गलतियां किस फाइनेंशियल ईयर में हुई? प्रीवियस ईयर, पिछले फाइनेंशियल ईयर में यह गलती हुई, इसकी सुधार कब की जाएगी? इस फाइनेंशियल ईयर में। सो इट इज कॉल्ड पास्ट एडजस्टमेंट। देखिए, पास्ट एडजस्टमेंट के कितने टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं तो अनुभव लोगों का बताता है, एनसीईआरटी और जो भी हैंडबुक आप इस्तेमाल करते हैं उनको अगर एनालाइज किया जाता है तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव बताता है कि पास्ट एडजस्टमेंट के 7 टाइप्स आपके आते हैं, जो डिफरेंट 7 टाइप्स के पास्ट एडजस्टमेंट मिलते हैं, जिसमें से सबसे पहला वाला मिलता है ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपने भी देखा होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखने से छोड़ दिया। दूसरा टाइप मिलता है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस अलाउड, मतलब देना चाहिए था फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था 10%, पर 10% से मान लीजिए कम अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया तो क्या होगा। तीसरा टाइप है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म ने ज्यादा दे दिया, एक्सेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज अलाउड, पॉसिबल है। 3, चौथा होता है मल्टीपल एरर, एक से अधिक गलतियां हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना चाहिए था अलाउ नहीं किया, सैलरी अलाउ करना चाहिए था अलाउ नहीं किया, बांटना चाहिए था, डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था डिविजिबल प्रॉफिट, पर डिविजिबल प्रॉफिट के बदले में उसने नेट प्रॉफिट गलत रेशियो में बांट दिया, पॉसिबल है। अगला टाइप देखें आपका, ये मान लीजिए कि पिछले 3 साल से फर्म बांट दिया है प्रॉफिट एंड लॉस 3:2:1, पर 3 साल बाद या 4 साल बाद ये डिसाइड हुआ कि नहीं, एंटायर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल नाउ 1:1:1, तो क्या होगा? और आइए इसके अलावा मान लीजिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ओमिशन हुआ और ये ओमिशन मोर देन 1 ईयर हुआ, मतलब 3 साल या 4 साल से ज्यादा हुआ, हर साल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग है। ठीक है, इसके अलावा और देखिए और टाइप के, मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म को अलाउ करना चाहिए था और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना चाहिए था, बट फर्म ने ये दोनों के दोनों ओमिशन कर दिए, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया और ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया, तो क्या होगा? और ये एक टाइप और, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग केवल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करने से छोड़ दिया, तो क्या होगा? अब आगे वाले वीडियो में आपको हर एक टाइप का एक क्वेश्चन, आपको एनसीईआरटी के इलस्ट्रेशन या क्वेश्चन या डू इट योरसेल्फ आपको सॉल्व करके दिखाया जाएगा, कैसे बनाते हैं बेहद आसान।